Foraminifera and actinopores के बारे में हम पढ़ रहे हैं और ये मैंने आपको पहले बताया था. मैंने बताया था कि ciliates किस वजह से move करते हैं? Cilia की वजह से. Flagella किस वजह से move करते हैं? Flagella की वजह से. और फिर मैंने बताया था amoeba किस वजह से move करते हैं? Pseudopodia की वजह से. Pseudopodia क्या होता है? Set fast food कहते हैं. ये cytoplasm में projection होता है. Means इसका cytoplasm थोड़ा सा बाहर निकलता है, project out होता है. तो जिसकी वजह से क्या करते हैं? Move करते हैं. कौन से? Amoeba. कौन से? और ये बात मैंने बताई थी कि foraminiferans and actinopores ये भी pseudopodia की वजह से move करते हैं. क्या करते हैं? Pseudopodia. मगर इनकी movement इतनी show नहीं होती. मगर होते इनके अंदर भी क्या है? Pseudopodia. और pseudopodia क्या होते हैं? Cytoplasmic projection. क्या होते हैं? मगर एक बात इनके अंदर मखसूस खास ये है कि इनके बाहर shell होता है. क्या होता है इनके बाहर? Shell. Shell mean खौल होता है. क्या चढ़ा होता है इनके बाहर? Shawl. खौल. और बड़ा beautiful खौल होता है. Geometric shape होती है. बड़ा attractive होता है खौल. और उस खौल के अंदर जो इसके बाहर shell होता है उसके अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं. उसके अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सुराख होते हैं. और उन सुराख में से cytoplasmic material वो बाहर निकलता है. उन सुराख में से cytoplasmic material क्या होता है? बाहर निकलता है. Foraminifera and actinopores ये दोनों जो प्रोटोजोआ हैं या प्रोटिस्टा किस चीज के बने हुए हैं? खोल के बने हुए. बैलेंस क्या होता है? खोल होता है. हाँ सॉरी, ये बने हुए किस चीज के हैं? जो foraminifera है, अगर foraminifera देखें तो ये कैल्शियम के बने हुए हैं. और इस तरह अगर actinopores की बात करें तो ये सिलिका बने हुए हैं. सिलिका के foraminifera के जो ये शेल्स हैं ये किस चीज के बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के. और actinopores के शेल किस चीज के बने हुए होते हैं? सिलिका के. foraminifera के खोल किस चीज के बने हुए हैं? कैल्शियम कार्बोनेट. और actinopores के सिलिका. इन खोल के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे सुराख होते हैं. और इन सुराख से cytoplasm में क्या होता है? प्रोजेक्ट आउट होता है. इनका जो cytoplasm का मटेरियल होता है प्रोजेक्ट मीन थोड़ा थोड़ा बाहर निकलता है सुराखों से. बाहर निकल के क्या आता है? इनकी सरफेस के ऊपर आ जाता है. मीन ये छोटे छोटे सुराख होते हैं इनमें से क्या होता है? बाहर निकलता है cytoplasm और इनकी सरफेस पे आ जाता है. और इनके cytoplasm के अंदर एक खासियत ये है कि ये चिपकने वाला होता है. ये स्टिकी नेचर होता है. क्या होता है? चिपकने वाला, स्टिकी नेचर. तो जो दूसरा एनिमल कोई भी आएगा इसकी जब सरफेस के साथ टच करेगा तो इसको क्या करेगा? इंटैगल कर लेगा. मीन इसको जकड़ लेगा. क्या करेगा? इसको इंटैगल जकड़ लेगा. मैंने पढ़ाया foraminiferans एंड actinopores के ऊपर खोल होता है. और खोल मतलब का जैसे कि वहां किसी का होता है सिलिका actinopores और foraminiferans के अंदर किसी का होता है कैल्शियम कार्बोनेट. और इनके खोल के अंदर क्या होते हैं? सुराख. उन सुराख में से cytoplasmic material आउट आता है, बाहर आता है, प्रोजेक्ट आउट होता है. cytoplasmic की प्रोजेक्शन होती है. जब बाहर आता है उसकी सरफेस के ऊपर आता है. मीन उस सुराख में से बाहर निकल आता है. और ये क्या होता है? स्टिकी नेचर होता है. क्या होता है? स्टिकी. मीन ये चिपकने वाला होता है. तो जो इनकी खुराक होती है मीन इनका जो प्रे होता है जब वो आके इस खोल के साथ अटैच होता है तो ये मटेरियल के साथ क्या होता है? बाउंड हो जाता है. जैसे गम लाइक काम करता है, गूंद लाइक क्या होता है? बिल्कुल चिपक जाता है. क्या करता है? ये चिपक जाता है. किसके साथ? इनके बैच में cytoplasmic मटेरियल होता है. और फिर इस तरह क्या कर लेता है? इसका ये इसकी शिकार कर लेता है. और दूसरी बात ये है कि जब ये ओल्ड हो जाते हैं उसके बाद जब ये डेड हो जाते हैं तो ये समंदर की तहों के अंदर चले जाते हैं. और समंदर की तह के अंदर शुरू शुरू के अंदर ये ग्रेन कलर होते हैं. किस कलर के हो जाते हैं? ग्रेन कलर के अंदर. और छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाते हैं. उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? चाक कहते हैं. क्या कहते हैं उसको? जब ये डेड होते हैं तो डेड जो इनके बॉडीज होती हैं वो समंदरों की बॉटम के अंदर मीन तह के अंदर चली जाती है. तह के अंदर जाने के बाद किस चीज के अंदर तब्दील हो जाती है? चाक के अंदर तब्दील हो जाती है शुरू के अंदर. और बाद के अंदर जब काफी अर्सा गुजर जाता है तो यही चाक आपस में मिलते हैं और क्या बनाते हैं? चाक लाइमस्टोन. मीन क्या बनाते हैं? लाइमस्टोन, चूने का पत्थर बनाते हैं. ये जो मुर्दा इनकी बॉडीज होती हैं समंदर की तहों के अंदर जाती हैं और समंदर की तहों के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं. किस चीज के अंदर? चाक के अंदर. जब काफी अर्सा गुजर जाता है तो यही चाक फिर तब्दील हो जाते हैं. किस चीज के अंदर? लाइमस्टोन के अंदर. किस चीज के अंदर तब्दील हो जाता है? लाइमस्टोन, जिसे हम क्या कहते हैं? चूने का पत्थर भी कहते हैं. तो ये हम पढ़ रहे थे किस चीज के बारे में? foraminifera एंड actinopores. और ये foraminifera एंड actinopores क्या थे? प्रोटोजोआ थे. क्या थे? प्रोटोजोआ थे. और प्रोटोजोआ एनिमल लीग जो प्रोटेस्ट थे उनको हम क्या कहते थे? प्रोटोजोआ. क्या कहते थे? प्रोटोजोआ. और दूसरी बात ये है कि जो रेडियोलेरियंस हैं वो भी सारे इनकी. और इनके अंदर क्या होता है? इनका ग्लासी शेल होता है, चमकने वाला शेल होता है. क्या होता है? चमकने वाला. और मैं बात मैंने बताई है कि इनका जो शेल होता है इनका ज्योमेट्रिक पैटर्न होता है ये बड़ा ही अट्रैक्टिव होता है. किस वजह से अट्रैक्ट होता है? चमकने वाला. और इसके अंदर क्या होते हैं?
सुराख मौजूद है, क्या होते हैं सुराख।